चक चक बेबे टीम होटल। ये फर्स्ट ऑर्डर है हमारा। अच्छा और कुछ आगे कहा? हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई शिमला से आ चुके हम विकास नगर, परसों रात को आ गए थे तो एक दिन का रेस्ट मिला है, तो रेस्ट मिलते ही बैग बुक पैक हो गए, अब हम जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, सुबह हमारा प्लान बना था, डेढ़ बज चुके हैं तो हमें जाना है वहाँ पे, एक छोटा सा फंक्शन है अलग भाई की, होटल की ओपनिंग भी है और एक दो काम और भी हैं, तो जा रहे हैं दिल्ली। तो बस बाकी आपको रास्ते में बताएंगे डिटेल, तो अभी करते हैं भाई चलने की तैयारी फटाफट। अब तैयारी दिल्ली जाने की, डेढ़ बज चुका है और सुबह निकलना था, लेट हो चुके हैं, तो बस 9 बजे जल्दी क्या बन रहा है, रोटी रहते हैं, घर से निकलो कुछ खा के निकलना चाहिए। हैं दादी खिचड़ी बनाई है पाट वाली, और थोड़ा डालो तो थोड़ा इधर खा लेंगे, गैस बन जाएगी रास्ते में। चलो भाई पहला स्टे लग गया, ये क्या खाओगे? आपको स्टारबक की चाय पिलाऊंगा आज, ठीक है? स्टारबक की चाय पीसी की पीस है दादी, कह रही स्टारबक की चाय पीनी आज। तो भाई साहब अब आपको बताता हूँ सीन, हम लोग रात को दिल्ली पहुंच चुके थे, फिर आगे ना बहुत ज्यादा काम पेंडिंग रह गए थे, तो फिर होटल में जाके पूरा रात को काम कुम निपटाए। अबे आना अंदर बैठना, आप पहले इधर तो बैठ, संगत को दिखा दो अलग भाई आ गए। तो भाई आज अलग के भाई के, अलग भाई की होटल की ओपनिंग है, तो बाकी होटल के बारे में भाई एक्सप्लेन करेगा। तो भाई थोड़ा बताओ क्या बात, पहली बात भाई बहुत बढ़िया लग रहा, और बहुत टाइम अपनी ऑडियंस को मिलके, हेलो तो बोल दो भाई जी को। हाय गाइस हाउ आर यू, बढ़िया। तो बताओ भाई अपने होटल का थोड़ा बता, क्या चीज है, कैसा है, क्या है? तो बेसिकली हमारी एक नॉर्थ इंडियन और चाइनीज मिक्स क्लाउड किचन है, नोएडा सेक्टर 104 में। तो और मतलब स्विगी जोमैटो भी, और हमारी पर्सनल डिलीवरी है, काइंड ऑफ टेक अवे भी है, बाकी अगर किसी को वैसे आके भी खाना है तो वो भी सब कुछ अवेलेबल है। तो समझ गए, बाकी जो एड्रेस है वो मैं उस पर नीचे डाल दूंगा, क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाके चेकआउट कर लेना, और गाड़ी पार करके आते हैं। तो बस भाई गाड़ी पार करके अंदर जा रहा हूँ, होटल भी दिखाएंगे और सबसे मिलवाएंगे भी आपको फैमिली वालों से। भाई एक नंबर, भाई की पैकेजिंग देख लो क्या आएगा, बटर चिकन इस पे, ये भाई पैकेजिंग का सामान ही है, बाकी जो किचन है ये है। ये क्या बना रहा भाई, क्या चीज बन रही है आज, क्या बन रहा है भाई ये सर, क्या बन रहा है? पनीर टिक्का मसाला, शेफ साहब से पूछो। शेफ साहब ये क्या बना रहे हो? कढ़ाई पनीर बना रहे सर। क्या बना रहे हो? चलो बढ़िया बढ़िया, तंदूर। भाई अभी पार्ट वगैरह स्टार्ट हो चुका है, थोड़ी देर पार्ट होगा फिर अरदास होगी, फिर मुहूर्त हो जाएगी, फिलहाल अभी बैठे हैं, पता नहीं किसी का इंतजार कर रहे हैं बस। तब तो आप देखो गौर में वेट कर रहे हैं कब ओपनिंग हो, कब हम रोटी खाए ना, भूख लगी है बहुत तेज, इसे देख लो श्रीवल्ली सिस्टर, ये देखो, नहीं दो पिलाओ पिलांगे गाली कोई नहीं, थैंक यू जी, बधाई ने तुहानू बहुत बहुत जी। जल्दी करो यार भूख लग रही है इसको। तो भाई अरदास वगैरह सब हो चुकी है, तो अब सब बधाई देने लग भाई को, कांग्रेचुलेशन। चलो भाई बधाइयां ने बधाइयां, लंगर तैयार हो गया, लंगर थोड़े वास्ते लंगर, और आंटी ने बधाइयां जी बहुत बहुत। भाई साहब ये तैयार हो गया लंगर, क्या है भाई जी, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, पुलाओ, फिर रोटियां। तो वैसे लंगर वगैरह छक के चाय पीने का मन कर रहा था, तो बाजू में खुला नया टिम होटिंग्स में चला, यहाँ चाय ट्राई करते हैं, यहाँ की भी, यहाँ की कभी चाय पी नहीं है, देखते हैं चीज क्या है।
भाई हमारा फर्स्ट टाइम था यहाँ पे टिम होटल्स में। भाई ये जुगाड़ सबसे बढ़िया, जब ये बजेगा तो जाके अपनी कॉफी ले लो। चलो भाई ऑर्डर लेने। भाई साहब पहली बार बिना टिम होटल्स की मजे ही आ गया। मैं कह रहा हूँ स्टारबक्स फेल कर दिया इसने, दिल आ गया क्योंकि बाहर का ब्रांड ना इंडिया में पहली बार आया है, तो हमने सोचा चलो ट्राई किया जाए। ट्राई किया, बहुत बढ़िया लगा। अब अगली बार से टिम होटल्स जिंदाबाद बोलिए। अच्छा और कुछ आगे कहाँ का ऑर्डर है, क्या है ऑर्डर? आप नाम नहीं बता रहा होटल का, क्या है? टर्बन शेफ का, टर्बन शेफ का पहला ऑर्डर हमारी बुआ करेगी डिलीवर। वाओ, क्या इसके अंदर ऑर्डर तो बताओ, क्या है, किसका है ये? आप ही का है? अरे तो बोल दो ना, मेरे को लगा नहीं किसका है। चक चक बेबे टिम होटल पक्की बैठी है। पी के तो कैसी लगी? पीना पीता सही पीना बस सारी पी हो गई क्या? कैसी है? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मतलब ही नहीं है दुनिया से भाई साहब, मतलब ही नहीं है। अपनी फोटो शूट इनका खत्म नहीं होता, बच्चों वाली हरकते हैं। ये देखिए वीडियो कॉल हो रही, किससे हो रही है? जीजू का हमारा वीडियो कॉल आया भाई, अमृतसर वाले। तो भाई आ चुके थे वहां से नोएडा से भाई के होटल की ओपनिंग करके, तो मैं और मेरी दादी आगे सोए हैं क्योंकि रात को तो बिल्कुल सोने का टाइम नहीं मिला। तो दादी ऐसी जा रही है, मैंने दादी को बोल दिया भाई अब से आप मेरे व्लॉग में मेरे साथ रहोगे, तो बस आप तो मेरे सारे दोस्त देख ही लें। अब मैं सोच रहा हूँ रोज व्लॉगिंग करूँ। मुझे किसी ने बोला है कि भाई तू घर में भी रहता तो डेली व्लॉग किया कर, और घर में कोई मेरे साथ होता नहीं। तो अब से मेरे व्लॉग में आपको मेरी दादी दिखेगी और हमारी लैंग्वेज थोड़ी टाइम बड़ा रखता हूँ, टाइम हो गया कैसे लग जाती है। तो बस आपको ये बोलना था, अलग भाई अभी आए ही नहीं, अलग और बलजीत वहीं पे हैं, तो आज ही होटल की ओपनिंग हुई है तो थोड़ा काम को संभाल रहे हैं। तो बस बाकी वो आएंगे तब हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे। तब मैं जा रहा हूँ नीचे घूमने फिरने, कोई नया दोस्त यार मिला तो उनसे भी मिलाऊंगा। तो बोर हो रहा हूँ यार बहुत ज़्यादा, चलता है मैं घूम के चाप पे खिलाऊँ आपको। अब व्लॉग एंड होने वाला है, अब तो आगे चाय पीने। तो भाई अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देख लिया तो भाई लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो, क्योंकि अपने 1000 होने वाले हैं फटाफट, 1000 करवा दो यार जल्दी। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है। बस मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक बाय टाटा टेक केयर। सामान गंदा है, शीशा तो साफ कर। कोई नहीं यार, हमारी ऑडियंस को पता है यार हम देसी बंदे हैं ना, सही बात नहीं। अब मैं पूरा वो बना दूं क्या, रेड कारपेट? चलो ठीक है, बाय बाय कर देना। कैसे चाय पी रही है तू, पागल हो गई होगी।